के जुगाली किसान के जुगाली किसान मुरलिया अन्ना के जुगाली किसान जुगल किशोर भगवान की जय। भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज और खबर पन्ना से देखो एक खास खबर। ईवेरा की खबर पन्ना से आ रही। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भाजपा की नेत्री कुसुम सिंह मेहदेले के घर अचानक से मिलवे पहुंचे। ई मुलाकात के पीछे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भविष्य में अवैसा चल रहा है कि कुसुम मेहदेले भी कांग्रेस में जा सकती हैं। हम बता रहे दीपक जोशी के बाद अब कांग्रेस की नजर पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले पे आ रही। कहा से कुसुम सिंह मेहदेले भी भाजपा संगठन से नाराज चल रही है और वे समय समय पे ये बात का एहसास भी करा चुकी हैं। कुसुम मेहदेले ने भी मुलाकात की बात कही है कि राम के भविष्य को पता नहीं है तो हम कैसे बता दें कि आगे क्या हुई है। हाल में मुख्यमंत्री कैलाश पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटा दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता लई है और आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक भाजपा में दो बार की कैबिनेट मंत्री रही कुसुम सिंह मेहदेले के घर मुलाकात करे पहुंच गए। ई मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि आने वाला समय बताया कि होने का है। उम्र 70 साल की है और ई फार्मूला में कुसुम सिंह मेहदेले भाजपा से टिकट नहीं मिल पावे की स्थिति में है और पहले भी टिकट उनकी कट चुकी। उनकी टिकट काट के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के दही थी भाजपा ने और ई के बाद से वे नाराज चल रही। कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के ऐसे लोगों से मिल रहे जो उपेक्षा को शिकार हैं। यही कड़ी में आज की जब मुलाकात मानी जा रही बुंदेलखंड की राजनीति में कछु अलग होबे वालो है। अभी बात को एहसास होगा बीजेपी के लाने जो अच्छो ना हुई है। काय से ही मुलाकात के अगर राजनीतिक मायने निकाले गए तो समझे वाली बात ही है। मुकेश नायक पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले के तक पहुंचे और करीब एक घंटे तक बंद कमरा में उनकी बातचीत हुई। कांग्रेस और बीजेपी के नेतन की मुलाकात भी चलत रही। मुकेश नायक ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है कि हम लोग आपस में मिलत रहे हैं और ऐसे आए कि राजनीतिक मायने न निकाले हैं। हालांकि पूरे मामला को लेकर पार्टी में शामिल हुए के सवाल पर कुसुम मेहदेले ने कही है कि भगवान राम के अपने भविष्य को पता नहीं है तो तुम और हम अपने भविष्य कैसे बता सकत। उनने सवाल को आंसर घुमा दो सुनो तनक का कह रहे मुकेश नायक और कुसुम सिंह मेहदेले। मैंने ये निकाला है कि ये नायक जी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे मित्र हैं और हम लोग एक लंबे समय तक विधानसभा में साथ में रहे हैं और नायक जी जब कभी भी पन्ना आए मैं समझती हूँ बहुत सालों बाद आए हैं लेकिन जब भी पन्ना आए मेरे घर जरूर चाय पीने आए हैं और भोपाल में भी जब हम लोग विधायक थे ये मंत्री थे हम विधायक थे हम मंत्री थे ये विधायक थे तो आपस में हम लोग मिलते जुलते रहते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं हम भी बुंदेलखंड के हैं और नायक जी भी बुंदेलखंड के हैं इस नाते भी मित्रता है और एक सद्भाव है सहानुभूति है इस नाते मिलना जुलना होता रहा है कुछ कांग्रेस पार्टी और होता रहेगा। कांग्रेस पार्टी में कुछ जाने का विचार नहीं अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ऐसा कोई नायक जी ने मेरे सामने प्रस्ताव ही नहीं रखा है तो ये मैंने सौजन्य भेंट है। सत्ता के फार्मूले पे आपकी एक वरिष्ठ नेत्री के उससे टिकट कटी थी अब क्या आगे कदम हुआ? अब आगे कदम आगे भविष्य का तो भगवान रामचंद्र को पता नहीं था मुझे भी पता नहीं है। कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं दीपक जोशी वगैरह इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये कहना है कि अब उन्हें भाई अच्छा नहीं लगता रहा होगा पार्टी में इसलिए वो पार्टी बदल ली। आपकी भी टिकट काटी थी तो शायद क्या पन्ना की राजनीति के मायने लगाए जाए? देखिए हम 15 साल साथ में विधानसभा के सदस्य रहे हैं और जिज्जी हमारी बड़ी बहन और मित्र हैं। ये केवल एक सौजन्य मुलाकात है हम उनका हालचाल जानने और करियर पूछने के लिए यहाँ पर हैं। कांग्रेस में जाने की तैयारी ये केवल सौजन्य मुलाकात है। कई बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं कांग्रेस में दीपक जोशी भी आ गए हैं। जी हाँ पिछले दिनों दीपक जोशी जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और बीजेपी में रहते हुए जिस घुटन और बेचैनी का वो अनुभव कर रहे थे उन्होंने लोगों को बताया है।
जी ने क्या चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की? जीजी ने हमें आशीर्वाद दिया, सौजन्य मुलाकात हुई और इतने वर्षों के हमारी यादें हमारे विधानसभा सदस्य के दौरान छोटे मोटे घटनाक्रम जो विधानसभा में होते थे उनको हम लोगों ने याद किया। आज 5 साल में पहली बार आप आए? नहीं, हम हमेशा आते रहे हैं। जीजी जब मंत्री थी तब रूटीन में उनसे हमारी मुलाकात हुआ करती थी और उनसे सदैव हमारे संबंध गैर राजनीतिक और एक जैसे रहे। घर में पहली बार आए आप मिलाकर? नहीं, घर में हम पहले अभी आए हैं। तो पद्मावती पुरी धाम पन्ना की एक से बढ़कर एक खबर निकलाने YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को बटन दबाओ तन्ने से घंटी के संगे और Facebook पेज के लाइक करो, इंस्टा के फॉलो करो। जयराम जी की। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों के संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित होशियार हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। CBSE बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458849449 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।